स्वामी नारायण साक्षादक्षर पुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शांतिम् आनंदम सुखमर्पयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। ओम अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कहा, सेनयोर रुबरयोर मध्ये रथम स्थापयम अच्युत। हे अच्युत परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, मेरे रथ को सेनयोहो उभयोहो मध्य स्थापय, दो सेना के बीच में मेरे रथ को खड़ा रखिए। यावद एतान निरीक्षे हम, मैं जरा देख लूं, कैर मया सह योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्यमे, मुझे किन किन योद्धाओं के साथ युद्ध करना है और मेरे साथ कौन कौन योद्धा युद्ध करने आए हैं, मैं जरा देख लूं। इस प्रकार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कहा। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को दो सेना के मध्य में लेकर जाते हैं। इसका वर्णन भगवत गीता में इस प्रकार किया गया, एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोः उभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिक्षितां उवाच पार्थ पश्येतान समवेतान कुरून इति। हे भरतवंशी राजन, निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस प्रकार कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, इन एकत्र हुए कुरुवंशियों को देख लो। पश्य पार्थ, अर्जुन देखो। एक अद्भुत कथा यहां से आरंभ होती है। अर्जुन ने क्या देखा, किस भावना से देखा, क्या कुछ हुआ, पहले हम यहां वह जान लेते हैं। तुरंत ही अर्जुन ने देखना शुरू किया। भगवत गीता में लिखा गया, तत्रापश्यत स्थितान पार्थः पितृन अथ पिता महान आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखींस तथा। तत्र अपश्यत, अर्जुन ने देखा। क्या देखा? दोनों सेनाओं में जो अपने स्वजन है उनको देखा। पृथानंदन अर्जुन दोनों ही सेनाओं में स्थित पिताओं को, पितामहों को, आचार्यान आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रान पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, श्वशुरों को और मित्रों को भी देखा। अर्जुन ने देखना शुरू किया, तत्रापश्यत पार्थः, और समझो बस यहीं से परिस्थिति ने करवट बदली। श्रीमद् भगवत गीता अब नए मोड़ पर आती है। एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसी ऐतिहासिक घटना का जन्म अब यहां हो रहा है जो पूरे भगवद गीता के उपदेश की पृष्ठभूमि बन गई। अब यहां से लेकर जो कुछ भी भगवद गीता में वर्णन आएगा उसको हम सूक्ष्मता से देखेंगे। एक ढंग से कहिए,
हम अर्जुन की केस स्टडी करेंगे। केस स्टडी हम जानते हैं दुनिया में भी केस स्टडी होती है, लर्निंग बाय एग्जांपल्स। आप देखेंगे तो मेडिकल लाइन में डॉक्टर्स लोग केस कुछ बन जाता है तो उसकी स्टडी करते हैं, ठीक ढंग से उसको देखते हैं, इतिहास का विचार करते हैं, क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ सोचते हैं, उसको केस स्टडी करते हैं। कोई एक घटना बन जाती है फिर केस स्टडी होती है। आप देखेंगे तो बिजनेस लाइन में भी केस स्टडी होती है, कोई कंपनी आगे बढ़ती है, किसी को घाटा होता है, लोग उन पर विचार करते हैं, आत्ममंथन करते हैं, किस ढंग से हुआ, क्यों हुआ, इस पर चर्चा करते हैं, विमर्श करते हैं, उसको केस स्टडी कहते हैं। खेल जगत में भी होता है, कोई जीतता है कोई हारता है, और जीत और हार के पीछे क्या है उसको समझने के लिए और आगे बढ़ने के लिए केस स्टडी एक सिस्टम है, लर्निंग बाय एग्जांपल्स। अर्जुन की हम यहाँ केस स्टडी करेंगे, पूरी घटना को हम गौर से देखेंगे, सूक्ष्मता से देखेंगे, केवल देखेंगे नहीं उसका विचार करेंगे, केवल विचार ही नहीं उसका जीवन के साथ किस ढंग से मेल होता है और उसका हम किस ढंग से उपयोग कर सकते हैं, उसमें से हम क्या सीख सकते हैं, इस बारे में हम सब सूक्ष्मता से देखेंगे। हमारे गुरुदेव परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज कहते थे कि हमारे जो शास्त्र है इतने अद्भुत है कि कोई व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामायण, श्रीमद् भागवत महापुराण, स्वामीनारायण भगवान के वचनामृत इत्यादि शास्त्रों से सबसे पहले ठीक ढंग से पढ़ता है, तदनंतर उसमें जो उदाहरण आते हैं, जो दृष्टांत आते हैं, उसको ठीक ढंग से देखता है, सोचता है, केस स्टडी होती है। और यदि उसको योग्य मार्गदर्शक गुरु होता है जो उसको समझाता है कि इसमें क्या क्या चीजें रखी गई है, यहां से क्या क्या सीखना चाहिए, और उसको यदि भगवान में श्रद्धा हो, ये चार चीजें मिल जाए और हाथ में शास्त्र हो तो व्यक्ति की प्रगति होती है। श्रीमद् भगवद गीता उत्तम शास्त्र है, हमें मार्गदर्शक भी गुरु मिले हैं, अर्जुन जैसा व्यक्तित्व है, और प्रमुख स्वामी जी और एक चीज कहते थे, उसके साथ अपना जीवन, अपना अनुभव उसको मिलाकर देखो। अर्जुन के बारे में हम सोचेंगे। अब जो घटना बनती है, तत्रा पश्यत पार्थः पितृन अथ पितामह, अब जो एक इतिहास होने जा रहा है, बहुत ही सहजता से, बहुत ही सरलता से घटित हो जाता है, किसी को भनक तक नहीं लगी। जीवन में कई बार ऐसे पहलू आते हैं, बहुत सहजता से प्रसंग बन जाते हैं, पता भी चलता नहीं है। यहां अर्जुन के जीवन में अब क्या हो रहा है, कदाचित शायद अर्जुन को भी पता नहीं क्या हो रहा है और क्या होगा। हाँ, भगवान श्री कृष्ण को पता है, वे तो अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, लेकिन वे भी सोचते हैं कि आज अर्जुन के उदाहरण से भले ही पूरा विश्व कुछ समझे, उन्होंने कुछ कहा नहीं, और लोगों को कुछ पता नहीं, पांडव सेना में किसी को पता नहीं अभी क्या घटना होने जा रही है, कौरव पक्ष में किसी को पता नहीं, एक बहुत ही सहजता से कुछ घटित हो रहा। दूसरी एक बात देखिए, अब जो घटना होगी उसका हम विवरण तो बहुत करेंगे और विवरण करने में समय भी लगता है, एक एक पहलुओं को उजागर करते हैं इसलिए समय लगता है, लेकिन घटना जब घटित होती है उसको इतना समय नहीं लगता है। अर्जुन ने अभी धनुष उठाया है और तुरंत ही दो सेनाओं के बीच में रथ को घुमाने को कहता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पश्य पार्थ, आप भी देख लीजिए। अर्जुन ने देखना शुरू किया,
बहुत ही कम समय में ये सब घटना घटित हो रही है। अब जो होने जा रहा है उसमें समय भी अधिक नहीं है। दूसरी एक बात, अब जो घटना घट रही है वह सामान्य व्यक्ति की नहीं है। अभी मैंने कहा ये एक केस स्टडी है। अर्जुन कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं है, उसकी पर्सनालिटी देखिए। हमने बात की थी कि अर्जुन कितना एकाग्र है, बचपन से है, सिद्धियां प्राप्त की है, बुद्धिशाली है, शरीर का बल भी है, मन का बल भी है, उत्साही भी है। इतना ही नहीं, भगवान उसके साथ में है। ऐसा एक अर्जुन जिसके रथ में पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं और इतनी शीघ्रता से एक घटना घटित हो जाती है, जैसे हमारे जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं शीघ्रता से घटना घटित होती है, ऐसा कुछ यहां हुआ। अब जो कुछ भी घटित हुआ उसके उत्तरदायी तो अर्जुन स्वयं ही थे। अपने आप देखता है, श्रीमद् भगवद गीता ने वर्णन किया, तान समीक्ष्य। ये यहां पर मैं आपको श्लोक संख्या सूचित करता हूं, श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 26वें श्लोक से लेकर 28वें श्लोक तक की जो गीता है उसको आप गौर से देखिए, शांति से देखिए। संस्कृत में श्लोक है, उसके ट्रांसलेशंस पढ़िए, किसी ने उसका विवरण किया तो उसको भी देखिए। यहीं पर गीता की पृष्ठभूमि है। अर्जुन ने देखा, तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बंधून अवस्थितान् कृपया परया विष्टः विषीदन् इदम् अब्रवीत। तान समीक्ष्य, अब देखने की बात आ गई। इन श्लोक में हम चार शब्दों को समझेंगे। पहला शब्द समीक्ष्य, दूसरा शब्द बंधून, तीसरा शब्द कृपया विष्टः और चौथा शब्द विषीदन। इन चार शब्दों में पूरी घटना है। इन चार शब्दों में आप समझिए कि अर्जुन का प्रश्न है, अर्जुन का रोग है, और जिसके आधार पर पूरी भगवद गीता का उपदेश है। समीक्ष्य, देखने की बात आ गई। अब यहां जब देखने की बात आती है तो और एक बात कर लेते हैं, दृष्टि और दृष्टिकोण। देखना एक साहजिक प्रवृत्ति है, हम देखते रहते हैं। जैसे ऐसे हम आंखें को घुमाते हैं तो हम देखते रहते हैं, इसको दृष्टि कहते हैं। साहजिक कर्म होता है, हम यात्रा करते हैं देखते हैं, हम चलते हैं तो देखते हैं, बैठे हैं तो देखते रहते हैं, बस ऐसे देखते रहते हैं। देखना एक साहजिक कर्म है, लेकिन दृष्टिकोण वह मानसिक है। हम कैसी भावनाओं से देखते हैं और उस पर ही फिर हमारे विचारों में परिवर्तन, हमारी भावनाओं में परिवर्तन, हमारे चरित्र में परिवर्तन, उसके बाद सब होता है। अर्जुन ने देखा तो सही, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था, पार्थ पश्य एतान समवेतान कुरुणीति, इन कौरवों को तू देख ले। अर्जुन ने देखा भी सही, समीक्ष्य। लेकिन अब क्या होता है देखो, यहां दूसरा जो शब्द हमने कहा समीक्ष्य के बाद, सर्वान बंधून। अर्जुन जब देखता है तो प्रतिपक्ष को देखना चाहिए, शत्रु पक्ष है सामने, लेकिन उसकी दृष्टि में अब दृष्टिकोण बांधव का दृष्टिकोण आता है। सर्वान बंधून, बंधु शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है जो हमें बांध ले, जो हमें पकड़ ले, और फिर हम उससे एक बंधन होता है उसका। बंधु शब्द का अर्थ है बंधन, अपने कर्तव्य के साथ अब एक बंधन नाम की चीज आ गई। देखिए समीक्षा, उसने देखा है भगवान की आज्ञा से देखा है। अभी मैंने कहा अर्जुन को भी पता नहीं क्या घटित होने जा रहा है, तुरंत शीघ्रता से सब हो रहा है, उसने देखा, लेकिन उसी वक्त दृष्टिकोण बदल गया।
एक अलग भावना अंदर से आई। दूसरा शब्द जो है बंधुन, सर्वान बंधुन अवस्थितान, और जैसे ही बंधु भाव आ गया ऐसे ही अर्जुन के मन में अनादिकाल से जो पड़ी हुई माया अज्ञान है वह अज्ञान बाहर आ गया स्वजना शक्ति के रूप में। और तुरंत ही श्रीमद् भगवद गीता लिखती है तीसरा शब्द कृपया परयाविष्टः, पराकृपा या मोह के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द है, उससे आविष्टः ग्रस्त हो गया, त्रस्त हो गया, गिर गया, आवृत्त हो गया, मोह का आवरण लग गया। परया कृपया विष्टः, क्रम देखिए, समीक्ष देखना शुरू किया। बंधुन, उसमें एक भावना आ गई सर्वान बंधुन, विचार उसमें मिश्रित हुआ दर्शन के साथ, अब अपनी सोच भी उसने मिला ली, उसमें बंधु भाव आ गया और तुरंत जो मोह था हृदय में वह बाहर आ गया। परया कृपया विष्टः, अब उसकी प्रतिक्रिया, उसका रिएक्शन शुरू हो गया, तुरंत रिएक्शन शुरू हो गया। विषीदन इदम अब्रवीत, विषीदन, जैसे ही मोह व्याप्त हुआ अर्जुन के हृदय में विषाद आ गया, विषीदन, विषाद करने लगा, खेद करने लगा, दुखी हो गया। देखिए यहां मैंने दृष्टि और दृष्टिकोण की बात की है, समीक्ष केवल दृष्टि है, बंधुन दृष्टिकोण है। इस विश्व में हम देखते रहते हैं लेकिन दृष्टिकोण पर यदि विचार नहीं करेंगे तो हमारे सुख दुख प्रभावित हो जाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता हमें यहां यह सिखाती है। यह पूरे प्रसंग में तीन बार देखने की बात आती है, अभी तक हमने जो देखा तीन बार देखने की बात आती है। सबसे पहले हमने देखा था श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक में, जब दुर्योधन ने कुछ देखा है, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम्। दुर्योधन जब द्रोणाचार्य जी के पास जाते हैं तो उन्होंने पांडवों की सेना को देखा था, लेकिन तब हमने बात की थी कि जब वो भी देखता है तो उसको पांडवों की सेना बड़ी लगती है, भीम का प्रथम दर्शन होता है और उसके मनोभाव वहां पर भी दृष्टि और दृष्टिकोण का प्रश्न है। तो यह जो दृष्ट्वा था पहले दूसरे श्लोक में, जो दुर्योधन का दर्शन, उसमें भय और आशंका सूचित होते हैं। दूसरी बार देखने की जो बात आती है तो अर्जुन अपनी सेना को देखता है, दोनों सेना को, अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वजः। कौरवों की सेना को व्यूह रचना में उपस्थित व्यवस्थित देखकर अर्जुन ने पूछा, वहां पर भी देखने की एक बात है, अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा, दृष्ट्वा देखकर, वहां पर भी दृष्टि, लेकिन दृष्टिकोण अलग था। उस दृष्टिकोण में क्या दिखाई देता है, अर्जुन का उत्साह। देखिए दो सेना के बीच में रथ की बात कर रहा था, अब तीसरा दर्शन यहां आता है जो अर्जुन का ही है। तान समीक्ष कौन्तेय सर्वान बंधुन अवस्थितान, यह जो तीसरा दर्शन है उस दृष्टि में जो दृष्टिकोण आ गया वो मोह का आ गया, तो तुरंत अर्जुन विषाद ग्रस्त होता है। अब यहां एक बात करनी है, समीक्ष देखना, बंधुन बंधु भाव से देखना, मोह का उपस्थित होना और मोह की प्रथम प्रतिक्रिया, मोह का पहला रिएक्शन क्या है, विषीदन। श्रीमद् भगवद गीता ने लिखा कृपया परया विष्टः विषीदन इदम अब्रवीत, मोह से व्याप्त होकर विषाद ग्रस्त होकर इदम अब्रवीत, अब जो कुछ भी बोलेगा विषाद में रहकर बोलेगा। संस्कृत भाषा की दृष्टि से यह जो विषीदन शब्द है वो वर्तमान कृदंत है, वर्तमान कृदंत अर्थात वो जो घट रहा है, विषाद चल रहा है, अभी विषाद की अवस्था में रहकर अब अर्जुन बोलेगा, अब जो कुछ भी बोलेगा विषीदन, विषाद करते करते बोलेगा अर्जुन, अपनी भाषा नहीं एक विषाद की भाषा बोलेगा। क्या कहा अर्जुन ने,
क्या कहा, विषाद की भाषा में से कैसे शब्द निकले, श्रीमद् भगवद गीता ने उसका वर्णन किया। अर्जुन कहता है, सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोम हर्षश्च जायते गांडिवम स्रंसते हस्तात् त्वक् चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। इसका अर्थ होता है, हे कृष्ण, अर्जुन कहते हैं, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन आ रहा है एवं रोमावली खड़ी हो रही है, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूं। अर्जुन के यह वाक्य है। अभी हम केवल केस देख रहे हैं, उसका स्टडी बाद में करेंगे। क्या घटना बन रही है देखिए। अर्जुन जैसे ही बंधु स्नेह से युक्त होता है, मोह व्याप्त होता है, तुरंत देखिए इसकी प्रतिक्रिया कैसी शुरू हो गई। अब यहां अर्जुन के विचारों की असर, अर्जुन की जो भावनाएं थी उसकी प्रतिक्रिया, उसका रिएक्शन उसके शरीर पर शुरू होता है। सबसे पहली बात आती है, सीदन्ति मम गात्राणि। जो शूरवीर अर्जुन है, जिसके गात्र सुदृढ़ है, इसके गात्र शिथिल होने लगे। सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, मुख सूख रहा है। कोई पानी पीना न पीना यह प्रश्न नहीं था। अरे पूरा दिन पानी के बिना धनुर्विद्या में अभ्यास करते थे अर्जुन, पूरा दिन उसको कहना पड़ता था, अर्जुन पानी पियो। तो यहां कोई प्यास का प्रश्न नहीं। अब जो भावना अंदर जागृत हुई, एक विचार परिवर्तित हो गया, एक निर्बल विचार अंदर आ गया, मोह प्रविष्ट हो गया, विचार मोहग्रस्त, मोह कलुषित, मोह प्रदूषित हो गए और तुरंत देखिए उसकी शरीर पर एक प्रतिक्रिया शुरू हो गई। मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में, अब कांपने लगा। श्रीमद् भगवद गीता में अब एक साइकोलॉजी शुरू होती है जो वास्तविक है। हम आगे जाकर देखेंगे कि ये क्या संबंध है, क्या चल रहा है। एक हमारी फिजिकल बॉडी है और हमारी मेंटल सिचुएशन है, हम सोचते हैं, सोचकर बोलते हैं, सिचुएशन है, आसपास की परिस्थितियां हैं, यह सब मिलकर एक परिणाम आता है। तो यहां अर्जुन कांपने लगता है, रोम हर्षः, उसके रोम खड़े हो जाते हैं, संवेदनशील है। इतना ही नहीं, अर्जुन कहता है गांडीवम स्रंसते हस्तात्। देखिए इसकी वीरश्री विजयश्री कहां गई, जिस गांडीव को 20वें श्लोक में उठाया था, धनुरुद्यम्य पांडवः, एक उत्साह दिख रहा था उसी गांडीव के लिए। अर्जुन स्वयं बोलता है गांडीवम स्रंसते हस्तात्, अंग जल रहा है, त्वचैव परिदह्यते। इतना ही नहीं, न च शक्नोम्यवस्थातुं, खड़े रहने के लिए भी समर्थ नहीं, नर्वस हो गया, भ्रमतीव च मे मनः, चक्कर आने लगे हैं, मन पर एक रिएक्शन, विचारों पर रिएक्शन, शरीर पर रिएक्शन, एक अर्जुन केस है, एक परिस्थिति है, एक ऐतिहासिक घटना हमारी आंखों के सामने है, इसको देखकर हमें कुछ सीखना है। यहां हमने एक केस को देखा गीता के आधार पर, अब अगले व्याख्यान में उसका स्टडी करेंगे, उससे कुछ सीखेंगे। आज यहां इस वर्ग को पूर्ण करते हैं। ओम शांति 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 ही।